हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम। इसे एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं और इसमें पोटैटो की फिलिंग करूँगी। तो चलिए दिखा देती हूँ कि इसके फिलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक बड़ा आलू बॉईल किया हुआ, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। डीसीडेड टोमेटो चाहिए हमें, सारे इसके मैंने बीज निकाल के इसे फाइनल चॉप कर लिया है। ग्रीन पीस चाहिए हमें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च चाहिए, अदरक चाहिए ग्रेट किया हुआ, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, किचन किंग मसाला, फ्रेश कोरिएंडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा और 2 कैप्सिकम। तो चलिए फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, अदरक डाल देंगे ग्रेट किया हुआ, अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। हल्दी डाल देंगे, अब फ्लेम को लो रखेंगे। मटर डाल देंगे, अब मटर को थोड़ा भून लेंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, इसे भी भून लेंगे थोड़ा। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे जिससे स्टीम बनेगी जल्दी। 1 मिनट के लिए अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि मटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। चेक कर लेंगे, अब मटर सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे। सूखा धनिया भी डाल देंगे, अभी किचन किंग मसाला भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर ऐड किया है इसमें। नमक डाल देंगे अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फ्रेश कोरिएंडर भी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। नमक मिर्च आप इसमें चेक कर सकते हो, कम लग रहा है तो आप वो ऐड कर लें। जब भी नमक ऐड करना हो तो कम ही नमक डालें, बाद में आप नमक और डाल सकते हैं चेक करके। आलू का मैश तैयार हो गया है, अब हम कैप्सिकम को काट लेते हैं। कैप्सिकम को हम बीच में से काटेंगे। बीज निकाल लेंगे सारे। देखिए ऐसे बीज इसके पूरी तरह निकाल देने हैं, ऐसे ही दूसरे भी कर लेंगे। कैप्सिकम फिलिंग के लिए तैयार हो गई है, अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। आलू को हम प्रेस करते हुए फिल करेंगे इसमें, और कैप्सिकम के लेवल तक इसे फिल करना है।
ऐसे ही हम दूसरा भी कर लेंगे। कैप्सिकम की फिलिंग हमारी हो गई है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल रही हूँ। ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर कैप्सिकम को हम सेकेंगे। कवर कर देंगे इसे। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे, साइड्स चेंज कर लेंगे कैप्सिकम की। नीचे से कैप्सिकम सिक गई है, अब आलू वाली साइड को थोड़ा सेक लेंगे। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे जिससे स्टीम बनेगी जल्दी। कवर कर देंगे अब इसे। 1 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब चेक कर लेंगे। नीचे से सिक गई है और ऊपर से भी सिक गई है। अब हम इसके साइड्स सेकेंगे, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे ताकि जो आंच है वो साइड्स पे भी लग सके। इस तरह इसे सपोर्ट देके इसके साइड्स को हमें और सेकना है। अब इसे कवर कर देंगे दोबारा और 1 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे, साइड्स चेंज करेंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे दोबारा। एक साइड से कैप्सिकम सिक गई है, अब हम इसकी दूसरी साइड सेकेंगे, कैप्सिकम को एडजस्ट करेंगे। कवर कर देंगे अब फिर से इसे और 1 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। अब फिर से चेक कर लेंगे। कैप्सिकम सिक गई है सारी साइड से। और एज अ स्नैक्स अगर आप कैप्सिकम को खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्रंच इसमें रहने देंगे, बहुत ज़्यादा इसे सेकेंगे नहीं। और रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप और इसे सेक सकते हैं। तो मैं तो इसे एज अ स्नैक्स खाने वाली हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा इसे नहीं सेकूंगी। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। कैप्सिकम को गार्निश कर लेंगे चिली फ्लेक्स के साथ, थोड़ा सा चाट मसाला और हरे धनिए के साथ। तो कैसे लगी आपको स्टफ्ड कैप्सिकम की ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।